इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी के प्रयास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका को किया खारिज। याचिका खारिज होने से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने से व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दिए जाने को दी थी चुनौती। हाईकोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी रहेगी और उनकी उनकी अपील को बलहीन बनाते हुए खारिज कर दिया। खत्म पूजा करता रहेगा, हिंदू पक्ष पूजा करता रहेगा और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है वो सही है, वो गलत नहीं है। डिटेल में ऑर्डर के बारे में डिटेल में ऑर्डर तो हम बता पाएंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का वो यथास्थिति बना रहेगा, उसमें कोई गलती नहीं, कोई कमियां नहीं। मुस्लिम साइड में उसे किसी प्रकार से गलत साबित करने में असफल रहे। उनका रास्ता वो तो हमेशा ही खुला है जी। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का अपना पढ़ा, अभी पूरा ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तब हम बता पाएंगे। ऑर्डर काफी बड़ा है। ऑपरेटिव पोर्शन में ये कहा है कि हमको मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती है और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट करने का और जो पूजा चल रही वो ये चलती रहेगी और उनकी उनकी सबमिट हम ऑर्डर को खारिज कर दिया। 227 और एफएफ दोनों जी पूजा जारी है। मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो टेक्निकलिटीज कुछ थी उसमें कि जैसे अपॉइंटमेंट जो ये किया गया है वो बहुत जल्दी किया गया है, इस सब प्रकार के उनके कुछ आर्गुमेंट थे जिसको उन्होंने बलहीन पाया। बता पाएंगे कुछ नहीं बता पाएंगे। प्रभाष पांडे फ्रॉम हिंदू साइड, विष्णु शंकर जैन साहब इसमें है और हरिशंकर जैन साहब।